देखो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें ये राइटर बताना चाह रहे हैं कि पांच ऐसे रीजन जिसकी वजह से जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के जो छात्र हैं, भारतीय छात्र हैं, वो विदेशों में पढ़ाई करने के लिए क्यों जाते हैं। मतलब ऐसी क्या कमी रह गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसकी वजह से जो आपकी कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, खास करके अपनी स्टडी के लिए बाहर। तो इसके इसके रीजन्स क्या हैं, इसके पांच रीजन्स बताए हैं राइटर। पांच रीजन्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक और बैकग्राउंड की बात करते हैं। इन्होंने ये बोला है कि दिन प्रतिदिन जो हायर एजुकेशन जो है उसके लिए अब्रॉड जाने की संख्या बढ़ती जा रही है। और इन्होंने ये बोला है कि राज्यसभा में एक बार एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए किसी ने बोला था कि अभी टोटल 11.3 लाख स्टूडेंट हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं। मतलब इंडिया के 11.3 लाख, मतलब 11,30,000 बच्चे ऐसे हैं जो आपके इंडिया के हैं लेकिन बाहर की कंट्री में अपने फर्दर स्टडी के लिए गए हैं। और 2022 ये जो साल है इसमें कहा जा रहा है कि और ज्यादा बच्चे यहाँ से माइग्रेट किए हैं हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में। तो राइटर ये बताते हैं कि अभी देखो डॉलर का दाम बढ़ते जा रहा है, आपके रुपीस का दाम ना धीरे डिक्रीज हो रहा है। अभी राइटर ने ये बोला है कि 80 के आसपास है, 80 रुपीज, मतलब 80 रुपीज इक्वल्स 1 डॉलर। तो जब इतना ज्यादा डॉलर का दाम बढ़ रहा है इसके बावजूद तो ये माइग्रेशन घटना चाहिए, इसके बावजूद ये माइग्रेशन बढ़ क्यों, मतलब ये क्यों बढ़ रहा है, मतलब बच्चे क्यों चले जा रहे हैं आपके यहाँ से, इंडिया से बच्चे क्यों चले जा रहे हैं वहां जबकि डॉलर का दाम काफी ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ तक देखा गया है कि बच्चे को इन लोगों ने जो ये लोग जो खर्च करते हैं, ये जो आपको डेटा मैंने बताया है 11.3 लाख स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रॉड फॉर देयर फर्दर स्टडीज, इनका टोटल खर्च जो है वो इन्होंने लिखा है राइटर ने 30 बिलियन डॉलर। 30 बिलियन डॉलर कम अमाउंट नहीं होता है इसमें। इन्होंने ये बोला है कि यही 30 बिलियन डॉलर जो इंडिया से जा रहा है विदेशों में, इसी में से इतना डॉलर यदि इंडिया में, मतलब इतना पैसा इंडिया में खर्च कर दिया जाए तो हम बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने ये दिया है कि 8 नए IIT बनाने का जो खर्च आया था वो 13,990 करोड़ आया था, 13,990 करोड़, जो मात्र 2 बिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट है। आप सोचिए 30 बिलियन डॉलर वो ये सारे बच्चे, मतलब इतना रेवेन्यू इंडिया से जा रहा है बाहर, और 8 IIT बनाने का मात्र 2 बिलियन डॉलर लग रहा है, मतलब 28 बिलियन डॉलर अभी भी आपके हाथ में। तो अब अभी IIT जैसी संस्था जिसमें बहुत सी चीजें बनानी पड़ती हैं, प्राइवेट कॉलेज की तरह है नहीं कि कुछ बना दिया कुछ दिखा दिया जो नहीं भी है और उसके दम पे आपने एडमिशन ले लिया, बड़े 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 बैनर्स और होर्डिंग्स दिखा के मार्केटिंग करके। IIT तो सच में क्वालिटी होती है। तो 8 IIT बनाने का मात्र 2 बिलियन डॉलर लगता है और इंडिया से 30 बिलियन डॉलर हर साल जा रहा है, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी चीज है। तो अब राइटर ये बताना चाहते हैं कि इतना देने के बाद भी पेरेंट्स कभी लोन निकाल लेते हैं, कभी जमीन बेच देते हैं, कभी घर बेच देते हैं, और ये सब करने के बाद भेज देते हैं अपने बच्चों को कि जाओ ठीक है जाओ बाहर पढ़ो। तो ये प्रोहिबिटिव कॉस्ट होने के बाद भी, इतना महंगा होने के बाद भी, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से बच्चे इतने ज्यादा विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं भारतीय मूल के छात्र। तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने, जबकि राइटर ने ये भी बोला है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुले हैं उसके बाद, इसके बावजूद इंटरनेशनल एजुकेशन जो है, इंटरनेशनल लेवल पे जो, मतलब इंटरनेशनली इंटरनेशनल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से बच्चों का डिग्री लेने का क्रेज कम नहीं हो रहा है, खास करके इंडियन स्टूडेंट्स का। अभी कहा जाता है कि बहुत कम बच्चे ही जा पाते हैं विदेशों में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन एक सर्वे किया गया और उसमें पूछा गया कि आपको ये मौका मिले विदेश में जाके पढ़ने के लिए तो आप पढ़ेंगे, तो उसमें से 100 में से 90% बच्चों ने ये बोला कि हाँ हमको मौका मिलेगा तो हम जरूर विदेश में जाके पढ़ना पढ़ना पसंद करेंगे, पढ़ना चाहेंगे। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज है कि मतलब 100 में से 90% बच्चे अभी भी चाहते हैं कि वो फर्दर कोई डिग्री फॉरेन से जाके लेके आए। तो ऐसा क्या दिक्कत है, ये राइटर बताते हैं, जब हम म्यूजिक में कम्पीट कर सकते हैं, जब हम मूवीज में कम्पीट कर सकते हैं, जब हम ऐप में कम्पीट कर सकते हैं, जब हम होटल्स में कम्पीट कर सकते हैं, जब हम फूड और क्लॉथ और बुक्स में कम्पीट कर सकते हैं, तो फिर एजुकेशन में क्यों नहीं कम्पीट कर सकते। पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है कि म्यूजिक में पूरे वर्ल्ड से कम्पीट कर सकते हो, फूड में, क्लॉथ में, ऐप में, तो ये बाकी एजुकेशन सेक्टर में हम क्यों नहीं कम्पीट कर सकते हैं। तो इसके पांच रीजंस बताए हैं राइटर और यही पांच रीजन में पूरा आर्टिकल खत्म है। पहला रीजन इन्होंने ये बताया कि जो एवरेज इंडियन कॉलेज है ना
वो उतना अच्छा नहीं है वहां के एवरेज इंडियन वहां के एवरेज कॉलेज, मतलब इंडिया का जो एवरेज कॉलेज है वो उतना बढ़िया अच्छा नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है उसका आउटपुट जितना यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना इन सब का एवरेज कॉलेज। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से बच्चे यहाँ से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इंडिया में कुछ गिने चुने ऐसे कॉलेज हैं जैसे आईआईटीज हैं, आईआईएम है, या एलएसआर इकोनॉमिक्स के लिए है, लेडी श्रीराम कॉलेज, या संत स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो भी अच्छा है। तो ये चार पांच गिने चुने कॉलेज है, इसके अलावा कोई बहुत अच्छा कॉलेज है नहीं। खाली एडवर्टाइजमेंट से तो नहीं होता है ना, और एडवर्टाइजमेंट भी सिर्फ होर्डिंग से और ये फ्लैग से नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट ट्रस्ट से भी बिल्ड होता है, एक्सीलेंस से बिल्ड होता है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कटिंग एज नॉलेज से भी क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट होता है, इथिक्स से एडवर्टाइजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल संदीप आईएएस एकेडमी, जितने बच्चे पोस्टर से नहीं आते हैं उतने ज्यादा माउथ पब्लिसिटी से चले आते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये भी एडवर्टाइजमेंट है। तो ये एडवर्टाइजमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयरिंग टू पोस्टर और न्यूज़पेपर और दिस एंड दैट। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि जैसे 300 साल पुराना जो कॉलेज है यूके का, उसको इंडिया का कोई एवरेज कॉलेज कम्पीट ही नहीं कर सकता है। 300 साल से है ना, आप समझ सकते हैं 300 ईयर से वो चल रहा है, तो 300 ईयर्स तक अपने आप को इस्टैब्लिश किया होगा, तब तो उसमें ट्रस्ट बढ़ा है लोगों का। इसका एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, अरुणाचल प्रदेश में एक इंस्टीट्यूट है आईबीई, इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता है लेकिन उसको इस्टैब्लिश हुए 26 साल हो गए। तो अब सारे लोगों को पता चल गया अरुणाचल में टोटल 23 या 24 डिस्ट्रिक्ट है, 26 साल से वो इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो अब धीरे धीरे सब जान गए उसको। तो सबसे पहले वो आईबी में आना पसंद करते हैं, उसके बाद किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सबसे पुराना है और सारे लोग उसको जानते हैं, तो वहां पे चले जाते हैं। दूसरा रीजन है क्यों बच्चे जाते हैं कि जो पहले इंडिया के जो पहले कॉलेज थे, इंडिया में जो 20 साल पहले जो कॉलेज प्रीमियम थे, आज भी वही प्रीमियम है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। एग्जाम्पल के रूप में आप आईआईटी ले लीजिए, 20 साल पहले भी फेमस था, आज भी फेमस है। इवन नए आईआईटी बनाए गए हैं तब भी पुराने आईआईटी का क्रेज अभी गया नहीं है, बच्चे सबसे पहले पुराने आईआईटी को ही मतलब सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो नहीं मिलता है तो नए आईआईटी में जाते हैं। तो जो 20 साल पहले क्रेज था इंडिया का मतलब कॉलेजों का, वो आज भी है, चाहे वो आईआईटी की बात करो, आईएम की बात करो, 20 साल 50 साल पहले आज भी वही है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई है। कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज नहीं आया है या कोई गवर्नमेंट कॉलेज जिसने इनको मतलब क्या बोलते हैं अंडरमाइन किया हो, अंडरमाइन नहीं भी किया हो तो इनके लेवल पे आके पहुंचा हो, ऐसा कोई भी नहीं। तो ये भी एक वजह है कि अब सब तो आईआईटी में जाएंगे नहीं, सब तो आईआईएम में जा नहीं पाएंगे, तो अब क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना है और अच्छा ढूंढना है, और अच्छा यदि इंडिया में नहीं मिलेगा तो बाहर मूव करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला कि तीसरा रीजन कि ये जो कॉलेज चलाते हैं ना प्राइवेट कॉलेज भी, ये कोई ड्रिवन विजनरी बंदा नहीं चलाता, ये रैंडम कोई बिजनेसमैन होता है उसको उसको चलाने के लिए देते हैं, या कोई बहुत स्वैंकी कॉलेज, स्वैंकी मतलब बहुत हाई फाई टाइप का कॉलेज जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खूब जबरदस्त हो, कुछ क्वालिटीज हो नहीं बट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे खूब ज्यादा हो। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जिसका नाम मैं ले सकता हूं लेकिन लूंगा नहीं, आपको भी पता है। तो वैसे कॉलेज का किसी रिटायर्ड प्रोफेसर को ये लोग हाथ में दे देते हैं पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तुम ही चलाओ, या कोई रैंडम बिजनेसमैन को सिलेक्ट करते हैं। तो जब बिजनेसमैन है या कोई कोई प्राइवेट कॉलेज का कोई प्रोफेसर है जो उसी मेट्रोलिस्टिक जो पैसा वसूलने वाले कॉलेज है वहां से निकला है, तो वो भी क्या करेगा, वो पैसा बनाने की ही मशीन समझेगा, और इसी वजह से बहुत ज्यादा मतलब वो लोग पैसा बनाते हैं और इस वजह से बच्चे वहां पे नहीं पढ़ते हैं, क्वालिटी भी नहीं मिलता। चौथा रीजन इन्होंने ये बताया कि वेयर आर द फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस। अब इंडिया ने बहुत बार ऐसा बोला है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को कि आप आइए हमारे यहाँ कैंपस एस्टैब्लिश कीजिए, और यदि ऐसा हो पाता, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का ब्रांच आपके यहाँ आ जाता, तो कोई ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के लिए बाहर क्यों जाता, दूसरे कंट्री में क्यों जाता, वो यहीं पे पढ़ता इंडियन स्टूडेंट्स होते। और इससे एक और फायदा होता कि आपका जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसको भी कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस होता कि भाई ये इनका कैसे वर्क कल्चर है, हमारे अंदर कहाँ लैकिंग हो रही है, हमको क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि हम इनके इक्विवेलेंट आ सकेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो बच्चे यहाँ पे जब वो ऑल्टरनेटिव है नहीं तो बाहर जाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। इसके बाद व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी एक खतरनाक बात राइटर ने बोला है कि मात्र 2%, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मात्र 2% बच्चों को जॉब लगता है यूनिवर्सिटी लेवल से निकलने के बाद, अच्छी जॉब की यदि हम बात करें तो मात्र 2%। अभी राइटर ये बताना चाहते हैं कि 20% भी यदि आंकड़ा कर दें तो भी शायद
इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर टिक पाएंगे। 80% को तो हम कहीं ना कहीं इधर उधर हो सकता है कुछ सिखा के लगवा दें, लेकिन 20% तक ही हम नहीं जा पा रहे हैं। 100 में से मात्र 2% ऐसे बच्चे हैं जिनकी यूनिवर्सिटी से निकलते निकलते जॉब लगती है। तो जब ये जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो यहाँ के बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे और क्यों रहेंगे? वहाँ फॉरेन में क्या है कि डिग्री लेते लेते आपकी ऑन एन एवरेज जॉब लग जाती है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि डिग्री मिल जाती है तो जॉब लग जाती है और लाइफ कंपैरेटिवली इंडिया से ज्यादा सिंपल है वहाँ और ज्यादा ईजी है। तो ये चीज है। तो अब राइटर ने ये बोला है कि देखो एजुकेशन सिस्टम को खाली इम्प्रूव करने से होगा नहीं, हमको अपने इकोनॉमी को कम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, एक मैसिव ग्रोथ का मतलब जरूरत है, मतलब देयर इज अ ड्रायड नीड ऑफ मैसिव ग्रोथ। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हब को मतलब बहुत वर्ल्ड क्लास बनाना पड़ेगा और कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आनी पड़ेगी जो वैसे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए जो जॉब क्रिएटिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो राइटर ने यहीं पे आर्टिकल खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच।